हरि नाम का भजन करने से संसार के तमाम रोग निर्वृत हो जाते हैं। जिन्होंने हरि नाम की आराधना की है उनके दुख एवं पाप नाश हो गए हैं। सतगुरु ने मेरे हाथ में ज्ञान की कृपाण पकड़ा दी है, जिसके साथ मैंने यमदूतों का प्रहार करके वध कर दिया है। सुखों के दाता हरि प्रभु ने मुझ पर कृपा धारण की है और मैं दुख पाप एवं संताप से मुक्त हो गया हूँ। गुरु से परमात्मा का नाम सुनकर मेरे सभी पाप एवं अहंकार नष्ट हो गए हैं। हरि का भजन करने से हरि का नाम मेरे मन को बहुत अच्छा लगा है। गुरुमुख बनकर परमात्मा जी का भजन करने से सभी रोग नष्ट हो गए हैं। गुरुमुख बनकर परमात्मा जी की आराधना करने से सभी रोग दूर हो गए हैं और शरीर आरोग्य हो गया है। रात दिन सहज समाधि हरि में लगी रहती है, क्योंकि मेरे गहरे एवं गंभीर हरि का ही ध्यान किया है। उच्च कुल अथवा निम्न कुल से संबंधित जिस व्यक्ति ने भी परमात्मा का ध्यान मनन किया है उसने परम पदार्थ मोक्ष पा लिया है। हरि का भजन करने से हरि नाम मेरे मन को अच्छा लगा है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और अपनी कृपा करके मेरा उद्धार करो। हम पापी एवं गुणविहीन हैं, किंतु फिर भी तुम्हारे तुच्छ सेवक हैं। हे दयालु परमेश्वर, चाहे हम पापी निर्गुण हैं फिर भी तुम्हारी शरण में आए हैं। तू दुख नाशक सर्व सुखों का दाता है और हम पत्थर तुम्हारे पार करवाने से ही पार हो सकते हैं। हे नानक, जिन्होंने सतगुरु से मिलकर राम रस पा लिया है नाम ने उनका उद्धार कर दिया है। हे हरि, मुझ पर कृपा करो और अपनी कृपा द्वारा मेरा संसार सागर से उद्धार कर दो। बड़हंस महल्ला चार घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहते जन जी राम उपाया राम धन मानस जन्म पुन पाया राम मानस जन्म बड़ पुण्य पाया देह सह कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर 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 नव रंगड़िया एह देह सह बांकी जिंत हर जापी हर हर नाम सुहाविया बड़ भागी पाई नाम सखाई जन नानक राम उपाया देह पाऊ जिन बूझ चंगा राम चढ़ लंघा जी विखम भुअंगा राम विखम भुअंगा अनंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चढ़ बड़ भागी लंघे गुर खेवट शब्द तराए अन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड्याल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबुक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जीने गुरमुख जीतिया अघड़ो घड़ावे शब्द पावे आप्यू हर रस पीतिया सुन श्रवण वाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पथ विखड़ा जन नानक पार लंघाया घोड़ी ते जन देह राम उपाय राम जित हर प्रभ जापे सा धन धन तुखाया राम जित हर प्रभ जापे सा धन सवासे धुर पाया कीरत जुड़दा चढ़ देहड़ घोड़ी विखम लंघाए मिल गुरमुख परम आनंदा हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जंज आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना बधाई जब दुल्हा विवाह करवाने के लिए घोड़ी पर सवार होता है तो उसकी बहनें घोड़ी की लगाम पकड़कर मंगल गीत गाती हैं। वह गीत घोड़ियां कहलाते हैं। गुरु रामदास जी ने यह दो छंद
उन गीतों घोड़ियों की तर्ज पर लिखे हैं और इन छंदों का शीर्षक भी घोड़ियां ही लिखा है। यह देह रूपी घोड़ी राम ने उत्पन्न की है, यह मनुष्य जीवन बड़ा धन्य है जो पुण्य कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। यह मनुष्य जन्म बड़े पुण्य कर्म करने के फल स्वरूप ही मिला है और यह शरीर सोने की भांति उत्तम है। गुरु के माध्यम से यह शरीर फूलों की भांति गहरा रंग प्राप्त करता है और हरि परमेश्वर के नवीन रंग में रंग जाता है। यह शरीर अति सुंदर है जो हरि का जाप करता है और हरि नाम से यह सुहावना हो गया है। अहो भाग्य से ही यह देह प्राप्त हुई है और परमेश्वर जी का नाम इसका साथी है। हे नानक, इस शरीर की रचना राम ने की है। मैंने देह रूपी घोड़ी पर राम की अच्छी सूझ रूपी काठी डाली है। इस शरीर रूपी घोड़ी पर सवार होकर मैं विषम संसार सागर से पार होता हूँ। विषम संसार सागर में असंख्य ही तरंगे हैं और गुरु के माध्यम से ही जीव इससे पार होते हैं। हरि रूपी जहाज पर सवार होकर भाग्यशाली पार हो जाते हैं और गुरु खेवट अपने शब्द से जीवों को पार कर देता है। हरि के प्रेम से रंगा हुआ हरि का प्रेमी रात दिन हरि का गुणगान करता रहता है और हरि जैसा ही हो जाता है। नानक ने निर्वाण पद पा लिया है। दुनिया में हरि सर्वोत्तम है और हरि पद ही भला है। मुँह में लगाम के स्थान पर गुरु ने ज्ञान दृढ़ किया है। उसने प्रभु के प्रेम का चाबुक मेरे तन पर मारा है। प्रभु प्रेम का चाबुक अपने तन पर मारकर गुरुमुख अपने मन को जीतकर जीवन संग्राम में विजय प्राप्त कर लेता है। अपने बेकाबू मन को वह काबू करता है, शब्द को प्राप्त होता है और संजीव करने वाले हरि रस का पान करता है। गुरु की उच्चारित की हुई वाणी को अपने कानों से सुनकर अपनी देह की घोड़ी को हरि प्रेम का रंग चढ़ा दिया है। नानक ने मृत्यु का महामार्ग पथ पार कर लिया है। यह शरीर रूपी फुर्तीली घोड़ी राम ने उत्पन्न की है। यह शरीर रूपी घोड़ी धन्य धन्य है जिसके माध्यम से हरि प्रभु की आराधना की जाती है। जिससे प्रभु का जाप किया जाता है वह शरीर रूपी घोड़ी धन्य एवं सराहनीय है और यह पूर्व जन्म में किए गए शुभ कर्मों के संचय से ही प्राप्त होती है। जीव शरीर रूपी घोड़ी पर सवार होकर विषम संसार सागर से पार हो जाता है और गुरु के माध्यम से परम आनंद प्रभु को मिल जाता है। पूर्ण परमेश्वर ने जीवात्मा का विवाह रचाया है और संत जनों की मिलकर बरात आई है। नानक जी का कथन है कि उसने हरि परमेश्वर को वर के रूप में पा लिया है। संत जन मिलकर मंगल गीत गा रहे हैं और उसे शुभ कामनाएं दे रहे हैं। बड़हंस महला चौथा देह तेजनड़ी हर नव रंगिया राम, गुर ज्ञान गुर हर मंगिया राम। ज्ञान मंगी हर कथा चंगी, हर नाम गत मित जानिया। सब जन्म सफल किया करते हर राम नाम बखाणिया। हर राम नाम सलाह हर प्रभ हर भक्त हर जन मंगिया। जन कहे नानक सुन है संत है हर भक्त गोविंद चंगिया। देह कंचन जिन सुवीणा राम, जड़ हर हर नाम रतना राम। जड़ नाम रतन गोविंद पाया, हर मिले हर गुण सुख घने। गुर शब्द पाया हर नाम ध्याया, बड़ भागी हर रंग हर बने। हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नवतन
हर नव रंगिया, नानक वखाणे नाम जाने, हर नाम हर प्रभ मंगिया। कढ्याल मुखे गुर अकस पाया राम, मन मैंगल गुर शब्द वास आया राम। मन वसंगत आया परम पद पाया, साधन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा। हर सेती घर सोहे हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती। हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है। बड़ भागी हर हर ध्याया, देह घोड़ी जी जित हर पाया राम। मिल सतगुरु जी मंगल गाया राम, हर गाए मंगल राम नामा। हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाई पावे, रंग महली हर रंग माने रंग की। गुण राम गाए मन सुभाए, हर गुरमति मन ध्याया। जन नानक हर कृपा धारी, देह घोड़ी चढ़ हर पाया।